नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खांडेकर MNS न्यूज लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गाजियाबाद में इंसान को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यह मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके का है, जहां पड़ोस में रहने वाले शोएब नाम के एक युवक ने घर में घुसकर मासूम के साथ कुकर्म किया। मासूम के माता पिता शनिवार को दोपहर बाजार गए थे। घर में महज कुछ देर के लिए 7 साल का बच्चा अकेला था। इस दौरान पड़ोसी ने बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाया। जब माता पिता वापस आए तो देखा कि आरोपी उनके बेटे के साथ आपत्तिजनक हालत में था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऐसा जी, हमारा बच्चा था घर पे अकेला, टीवी देख रहा था और बच्चे को हम बाहर गए 2 मिनट के लिए, तो इतने हम आए तो हमारे बच्चे की गैल गलत काम कर दिया उसने, लड़के ने। तो हम पड़ोसी का ही लड़का था, तो हम फिर थाने गए लड़के को लेकर उसको, तो थाने में गए तो थाने में जाकर हमने अपने FIR दर्ज करवा दी। फिर हमारे बच्चे की डॉक्टरी होगी और उस लड़के की भी, तो फिर वह क्या नाम, हमारी रिपोर्ट पक्की हो चुकी, अब वो लड़का अंदर जा चुका है। नागपुर के साथ ही विदर्भ में ठंड शुरू। नागपुर शहर के साथ साथ विदर्भ में ठंड का आगमन हो चुका है। इस साल दिवाली के बाद भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। नागपुर का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता था, रात में भी गर्मी पड़ती थी, मगर अब ठंड का आगमन हो चुका है। दिन के तापमान में कमी आई है, रात में अब ठंड महसूस हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागपुर यूनिवर्सिटी में हर छात्र के जन्मदिन पर दिया जाता है कॉन्डोम और सैनिटरी नैपकिन गिफ्ट। अपने बैचमेट के जन्मदिन का इंतजार हर किसी को रहता है। इस दिन दोस्त केक काटते हैं और चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी के एक ग्रुप ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। नागपुर यूनिवर्सिटी के अमरावती रोड कैंपस में पढ़ने वाले छात्र किसी भी सहपाठी का जन्मदिन होने पर उसे सैनिटरी नैपकिन और कॉन्डोम गिफ्ट करते हैं। खास बात, छात्र इस गिफ्ट की कोई पैकिंग नहीं करते हैं। उनके इस पैक में 3 कॉन्डोम के पाउच और 2 सैनिटरी नैपकिन के पैक होते हैं। लड़की का जन्मदिन हो या लड़के का, इस ग्रुप के सदस्य दोनों को ही यह गिफ्ट देते हैं। ये सभी छात्र स्नातक अंतिम वर्ष में राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं। ये छात्र पढ़ाई के साथ ही एड्स जागरूकता और लड़कियों में महावारी स्वच्छता को लेकर कार्य करते हैं। अधिकांश छात्र ये आदिवासी इलाके से आते हैं, जहां लोगों में जागरूकता की कमी है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।